साल 2024 में हुए नीट एग्जाम को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ है वो अभी भी जारी है। सड़क से लेकर अदालत तक इस मसले पर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने जब रिजल्ट जारी किया तो 67 छात्रों को टॉपर बना दिया। इसी के बाद हंगामा शुरू हुआ जो अब सोशल मीडिया से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है। जब ये पूरा बवाल चल रहा है तब आपने एक चीज़ बार बार सुनी होगी और वो है ग्रेस मार्क्स की, क्योंकि ग्रेस मार्क्स की वजह से ही टॉपर इतने सारे हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को भी एक्शन में आना पड़ा है। नीट 2024 के नतीजे में ग्रेस मार्क्स से जुड़ा पूरा विवाद क्या है आपको आसान भाषा में समझाते हैं और कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 5 मई को इस बार नीट का एग्ज़ाम हुआ जिसमें करीब 24 लाख बच्चे बैठे थे। इस एग्ज़ाम का नतीजा 14 जून को आना था लेकिन 4 जून को आ गया। हैरानी तो तब हुई जब मालूम पड़ा कि टोटल 67 बच्चों ने इस बार टॉप किया है, जबकि नीट में एक या कभी कभी दो टॉपर निकल आते थे। इन सभी 67 टॉपर्स के 720 नंबर थे। छात्रों ने सवाल पूछे, हंगामा हुआ और फिर सोशल मीडिया से होते हुए ये सड़क और फिर अदालत तक का मसला बन गया। अब जब NTA के जवाब देने की बारी आई तब उसने समझाया कि जो 67 टॉपर हैं उनमें से 17 तो मेरिट के आधार पर हैं, जबकि 6 का नंबर इसलिए आ गया है क्योंकि उन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं और बाकी के 44 इसलिए टॉपर बने हैं क्योंकि पेपर में एक सवाल गलत था तो NTA ने उसकी भरपाई की है। अब आप यहां पर ग्रेस मार्क्स पर फोकस करें क्योंकि ये सिर्फ 6 को नहीं मिले हैं बल्कि 1500 से ज़्यादा छात्रों को दिए गए हैं। 6 तो सिर्फ वो हैं जो ग्रेस की वजह से टॉपर बन गए हैं। अब सवाल है कि ये ग्रेस मार्क्स का फॉर्मूला कहाँ से निकला, क्योंकि नीट में ऐसा तो होता नहीं था। इस सवाल का जवाब भी NTA ने दिया है और बताया है कि क्लैट यानी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के 2018 वाले एग्जाम में कॉपी मिलने या पेपर मिलने में देरी पर सेकेंड के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दिए जाते थे। NTA ने वही फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा दिया और इसी आधार पर कुछ बच्चों को ग्रेस के मार्क्स दे दिए। अब एक सवाल और है कि आखिर ये नंबर किस आधार पर दिए गए हैं। इसमें छात्रों के सही दिए गए उत्तरों का सहारा लिया गया है। मान लीजिए कि एग्जाम 2 घंटे का है, किसी छात्र को 5 मिनट देरी से कॉपी मिली या फिर किसी और वजह से उसके 5 मिनट बर्बाद हो गए, तब बाकी समय में उसने जितने जवाब दिए उसमें से जितने सही और गलत निकलेंगे उनके औसत के आधार पर उसे बाकी के 5 मिनट के भी नंबर दे दिए जाएंगे। तर्क ये है कि अगर छात्र के पास ये 5 मिनट भी होते तो वो बाकी के जवाब भी दे देता और उसका स्कोर बढ़ जाता। NTA ने इसी आधार पर बच्चों को 120 नंबर तक ग्रेस दिए हैं और यही वजह है कि इतने टॉपर निकले हैं या छात्रों को ज़्यादा नंबर मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास जो मामला पहुंचा उसमें सबसे बड़ा मसला ग्रेस मार्क्स का ही था। सुप्रीम कोर्ट में मामला जाने के बाद ये साफ हुआ कि जिन 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो वापस होंगे। उसमें बच्चों के पास भी एक मौका होगा कि अगर किसी को लगता है कि वो बेहतर नंबर ला सकता है तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे दे, लेकिन अगर कोई दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना चाहता है तो फिर बिना उसके फाइनल स्कोर के ग्रेसिंग मार्क्स के निकाल दिया जाएगा। अब NTA की वजह से ग्रेस मार्क्स का जो ये रायता फैला है उसने काफ़ी बवाल किया है और उसका नतीजा हर किसी को देखने को भी मिला है। नीट से जुड़ा कोई और बड़ा अपडेट आता है तो हम आपको उसकी जानकारी ज़रूर देंगे। आप TV9 डिजिटल के साथ जुड़े रहिए।